आप सब लोगों ने देखा होगा जब बजट सत्र था तो मुख्यमंत्री ने कहा था कि भाई 1932 हो नहीं सकता है, होगा तो फिर अदालत उसको निरस्त करे। मुख्यमंत्री ने खुद कहा है, वो आज भी ऑडियो हम वीडियो हमको लगता है कि आप सब लोगों के यहाँ भी पहुँचा होगा। लेकिन जब उनको लगा कि हमारी कुर्सी जाने वाली है तो फिर तर्कस में जो भी तीर है भाई चला दो। झारखंड की जनता को अच्छी तरह से पता है कि आपने जो कहा कि जब अलग झारखंड राज्य बना, मैं तो बार बार कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी झारखंड के जो आदिवासी है, मूलवासी है, सदैव इनके हिते से रही। और इसलिए आप सब लोगों ने देखा कि जब अलग झारखंड राज्य की लड़ाई तो आजादी से लेकर के चल रही थी और जो झारखंड नामधारी पार्टियां थी जो अलग राज्य के लिए लोग लड़ाई लड़ रही थी, चाहे कांग्रेस हो चाहे बिहार में जिस किसी की भी सरकार रही, उनके साथ इनकी अच्छी दोस्ती रही, मिलके लोगों ने राज रखा, लेकिन कभी भी राज लोगों ने नहीं बनवाया। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी जैसे ही 98 और 99 में, तो 15 नवंबर 2000 झारखंड वासियों की जो वर्षों पुरानी मांग थी उसको सरकार बनते ही, यानी 3 साल भी नहीं हुआ था और उसको अलग कर दिया 15 नवंबर 2000। राज्य बनने के बाद उस समय भी विषय आया था कि भाई हमें यहाँ लोगों की नियुक्ति करनी है, क्या हो, तब चूंकि हम इस राज्य के मुख्यमंत्री थे और उस वक्त हमने सर्वदलीय मीटिंग बुलाई थी। सर्वदलीय मीटिंग आज भी प्रोजेक्ट बिल्डिंग में उसकी जो मिनट्स होगा सब कुछ लिखा होगा कि पार्टी के अध्यक्ष जो भी उस समय थे उन्होंने क्या कहा होगा सब होगा। और सबों ने एक स्वर से कहा कि जो बिहार सरकार 1982 में स्थानीय और नियोजन नीति जो बनाई थी 1982 में जब जगन्नाथ मिश्रा मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है पिछले सर्वे राइट्स ऑफ रिकॉर्ड्स में जिनके पूर्वज का नाम दर्ज है उनको स्थानीय माना जाएगा और तृतीय और चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की नियुक्ति में उनको प्राथमिकता दी जाएगी। सर्वसम्मति से बैठ करके लोगों ने कहा कि जो बिहार के काल से जो चला आ रहा है झारखंड सरकार को उसी को अंगीकार करनी चाहिए। और दूसरे दिन हम कैबिनेट बुला करके उसको हमने अंगीकार किया। मामला ठीक है, हंगामा हुआ और कोर्ट ने फिर उसको निरस्त किया। तो इसलिए कोई कहता है, मैं बार बार कहता हूँ और आज भी मैं कह रहा हूँ कि भाई हेमंत सोरेन को पहले उन सारी चीज़ों का अध्ययन कर लेना चाहिए ताकि फिर कोई व्यक्ति कोर्ट में चला जाए और फिर गड़बड़ हो जाए तो फिर यहाँ के लोगों के हितों की कहीं कोई रक्षा नहीं हो सकती। लेकिन मुख्यमंत्री तो यहाँ के लोगों के हितों की चिंता कम कर रहे हैं, उन तो अपनी कुर्सी की उनको चिंता है, अपनी वोट बैंक की उनको चिंता है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।